हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मोर इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं D2S सप्लाई पर। आज हम इस सप्लाई को रिपेयर करेंगे। इस सप्लाई में जो 3 वोल्ट आते हैं, ये देखिए लिखा भी होगा आपको, दिख रहा है, इस सप्लाई में जो 3 वोल्ट आते हैं, इसमें तो वैसे 3 आते हैं, किसी में 5 भी होते हैं, ठीक है। 3 वोल्ट आते हैं, वो ड्रॉप हो रहे हैं, इस वजह से हमारा कार्ड ऑन नहीं हो रहा है। और हम आज चेक करेंगे कि ये, और इसकी रिपेयर करेंगे। तो इसका एक ही कारण हो सकता है, जो आप हमारा आप देख रहे हो, ये जनरेटर लगा हुआ है ना, ये शॉर्ट हो सकता है। अभी हम इसको चेक करते हैं। अब चेक कर सकते हैं कि देखो, इस साइड से हमने लगाया तो हमारा मीटर, अगर हम पॉजिटिव उस साइड लगा के देखते हैं तो आप फिर देख रहे हैं कि मीटर कंटिन्यूटी फुली दिखा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा ये जो जो जीना डायड है वो शॉर्ट है। जो जीना डायड है उसको हम रिप्लेस करके फिर देखते हैं कि हमारा कार्ड में लाइट आती है कि नहीं। देख सकते हैं गाइस, जो हमारा जीना डायड था वो हमने रिप्लेस कर दिया है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। अब देख सकते हैं कि डिस्प्ले तो आ चुका है, लेकिन हमारे टीवी पर जो सिग्नल वीक दिखा रहा है, तो इसमें अभी भी फॉल्ट है। तो हम इसके कैपेसिटर वगैरह चेक कर देख सकते हैं, कैपेसिटर वगैरह चेक करते हैं, या कोई डायोड देखते हैं कि किस में दिक्कत है। तो मैं सब देख सकते हैं कि इसका कैपेसिटर, जो मेन कैपेसिटर है ना सप्लाई वाला, वो थोड़ा फूला हुआ है, ख़राब है, ठीक है। अब इसको प्लेस करके देख, देखिएगा इस कैपेसिटर इसका जो फूला हुआ था, और हम कैपेसिटर को शोल्डर कर देते हैं। शोल्डर कंप्लीट हुआ और हमारे कैपेसिटर चेंज कर दिया। जो पहला कैपेसिटर था वो हमारा 400 वोल्ट 5.6 UF था। आपको कोई चक्कर नहीं, इससे थोड़ा छोटा मिलता है, लेकिन आप 400 वोल्ट ही रखना। और 3 पॉइंट, इस टाइम हमने 3.3 UF का लगा दिया है, कोई चक्कर नहीं होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं सिग्नल 70 70, एक कदम कम ऊपर या नीचे हो रहा है, और ऊपर भी देखिए कि सिग्नल वीक नहीं दिखा रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।